इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड अ मैनेजर, आपने ये चीज तो हमेशा ही सुनी होगी कि यू नीड टू बी ए हैंड्स ऑन मैनेजर। बहुत बार कई तरह से सुनी होगी, हैंड्स ऑन मैनेजर बनिए, डिटेल ओरिएंटेड मैनेजर बनिए, बट ये आपने बात तो सुनी होगी। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ हैंड्स ऑन मैनेजर, क्या होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे आप बन सकते हैं एक हैंड्स ऑन मैनेजर, इस सब के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो आफ्टर द इंट्रो। फ्रेंड्स, बिफोर आई डाइव इन टू द डिटेल्स ऑफ एन हैंड्स ऑन मैनेजर, मैं आपको एक छोटे स्टोरी सुनाना चाहता हूँ विच इज रिलेटेड टू माई वर्किंग लाइफ। लॉन्ग टाइम बैक मैं जब एक कंपनी में काम कर रहा था, आई हैड जॉइंड अ टीम एज ए न्यू कमर इन द टीम। तो मेरे पास स्किल्स और कैपेबिलिटीज थी उस रोल के लिए, और मैंने सुना भी था कि इस टीम के जो मैनेजर हैं बड़े हैंड्स ऑन मैनेजर हैं, सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू getting a lot of experience in working with the team. तो मैंने जब टीम ज्वाइन किया तो इनिशियली शुरुआत में I got assigned only very peripheral work, मतलब जो सेंट्रल काम की जो टीम की जो सेंट्रल आउटपुट थी उसके रिलेटेड नहीं, बट छोटे मोटे काम होते थे कि चलो ये फाइल अपडेट कर लो, ये थोड़ा सा देख लो, इस तरह का काम मिलने लगा था। सो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एंड आई सॉ दैट बेरिंग कपल ऑफ पीपल, the manager actually was not giving much work to others in the team. जो काम होते थे manager या तो खुद ही कर लेते थे या इन एक दो लोगों के बीच में divide करते थे, बाकी लोगों को काम divide नहीं होता था। But yet this manager was known as a hands-on manager. This begged the question कि क्या hands-on manager होने का ये मतलब है कि आप काम delegate ना करें? क्या hands-on और delegation opposite sides of the spectrum हैं? मेरे हिसाब से एज आई हैव ग्रोन अप इन द करियर आई हैव अंडरस्टूड दैट दे आर नॉट। इट इज नॉट अबाउट डूइंग द वर्क ऑफ द टीम मेंबर, देन ओनली यू विल बी नोन एज अ हैंड्स ऑन मैनेजर। यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ मैनेजर हाउ कैन यू डेलीगेट टू। तो इस वीडियो में हम इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक इफेक्टिव हैंड्स ऑन मैनेजर बन सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट डज हैंड्स ऑन मीन। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि सपोज देयर इज ए वाटर बॉडी और मुझे उस वाटर बॉडी का डेप्थ नापना है। ऑफ कोर्स द मोस्ट हैंड्स ऑन वे ऑफ डूइंग इट इज कि पानी के अंदर जंप मार लो और उसके नीचे जाके देख लो कितना गहरा है, बट दैट्स नॉट हैंड्स ऑन, दैट्स बीइंग फुलिश। सो आई हैव टोल्ड दिस इन वन ऑफ माय वीडियोस, बट एट द सेम टाइम इट एम्फसाइजेस द पॉइंट कि जो आप सोचते हो हैंड्स ऑन वो शायद हैंड्स ऑन बिहेवियर ना हो। तो क्या है हैंड्स ऑन बिहेवियर? तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि डेलीगेशन करना एज ए मैनेजर इज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए मैनेजर यू नीड टू नो विच टीम मेंबर इज वर्किंग ऑन व्हाट, हाउ कैन ही डिलीवर, हेल्प हिम डिलीवर, लेवरेज हिज एक्सपीरियंस एंड ब्रिंग द टीम टुगेदर इन ए वे कि जो है कि हर समय ये अपना काम सही तरह से कर सकें और आप यू वुड बी द टॉप ऑफ योर गेम इन टर्म्स ऑफ योर रिपोर्टिंग, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। ये होता है हैंड्स ऑन। अगर ये हैंड्स ऑन की डेफिनेशन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली कि आप हैंड्स ऑन कैसे बनोगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आप यूज करके अपने करियर में यू कैन बिकम अ इफेक्टिव हैंड्स ऑन मैनेजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट, पहले एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि यू आर समवन हु हैज अ प्रॉब्लम विथ डेलीगेशन। आप कैसे जानोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि एज ए मैनेजर is your team working or are you doing the work of your team members? If you are doing the work of your team members, you may take a lot of pride about calling yourself hands-on, but aap actually hands-on ho nahi, aap delegate nahi kar pa rahe ho, aapki challenge aati hai ki aap delegate nahi kar pa rahe ho. So first and foremost you need to accept and acknowledge that you have this issue with delegation. Number two, डेलीगेशन नहीं कर पाने का एक मेजर कारण होता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते कि द पर्सन इन योर टीम कैन डू अ जॉब एज गुड एज यू। ट्रस्ट मी, ही विल नॉट बी एबल टू डू अ गुड जॉब लाइक हाउ यू कैन डू, बट इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट गिव हिम वर्क एंड टेक दैट वर्क एंड डू इट योर सेल्फ। द होल आइडिया इज टू स्टार्ट गिविंग द वर्क एंड देन लुक एट हाउ द आउटपुट इज कमिंग। अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो आप उनको कोच कीजिए, आप उनको गाइड कीजिए। It will all take time, it will take a huge amount of your effort, but hey, that's what it is required, that's what coaching and mentoring is all about.
तो एज ए मैनेजर इट इज ऑल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड पॉइंट, गेट रिड ऑफ द माइंड सेट कि यार मैं जब ग्रो कर रहा था आई डिडंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम माई मैनेजर सो आई विल नॉट हेल्प, पीपल विल हैव टू कम अप टू द स्पीड ऑन देयर ओन. ये माइंड सेट बहुत नेगेटिव माइंड सेट है, इट बेसिकली डजेंट हेल्प, क्योंकि हर कोई अपने आप से ऊपर नहीं आ सकता. हो सकता है बंदे में टैलेंट हो लेकिन ही नीड्स दैट कोचिंग मेंटरिंग, तो अगर आप उस बंदे को टाइम नहीं दोगे, एफर्ट नहीं दोगे, तो वो कभी भी कम अप नहीं कर पाएगा. सो गेट रिड ऑफ दैट माइंड सेट वेयर यू थिंक दैट आई डिडंट गेट हेल्प सो आई विल नॉट हेल्प. चौथा पॉइंट, हूएवर इज द न्यू कमर इन द टीम, गिव हिम सम वर्क, जस्ट डोंट गिव हिम सम पेरिफेरल वर्क कि भाई ये फाइल अपडेट कर दो, ये दो तीन फाइल कॉपी करके उस ड्राइव में डाल दो. नो, डोंट गिव देम दिस पेरिफेरी वर्क, गिव देम मीनिंगफुल वर्क. एंड इफ यू डोंट स्टार्ट, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू स्टार्ट विथ, आस्क देम टू शैडो. वंस दे शैडो एंड देन यू कैन पुट देम इन टू वर्क. एंड यस, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस टू सी कि आउटपुट किस तरह से आ रहा है. अगर आउटपुट आ रहा है और आप देख रहे हो कि बंदे में पोटेंशियल है लेकिन अभी वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कोच करो, गाइड करो, लेकिन न्यू कमर्स को चांस दो, बी फॉरगिविंग टू देम इन द इनिशियल फेज सो दैट दे कैन कम अप टू स्पीड. नंबर 5, कोई भी टीम में जब टीम मेंबर प्रोडक्टिव होते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर द टीम, बिकॉज अ प्रोडक्टिव टीम इज गोइंग टू डिलीवर एंड वर्क इन ए मोर कोहेसिव मैनर. जितनी जल्दी आप अपने टीम मेंबर को एनेबल कर दोगे कि वो प्रोडक्टिव हो जाए, उतना ही वो दैट इज गुड फॉर यू. एंड टू बी ऑनेस्ट, एज ए मैनेजर इट इज नॉट जस्ट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर ऑन टाइम एंड ऑन क्वालिटी, इट इज ऑल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड हाई परफॉर्मिंग टीम्स. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है आप इस चीज को समझें कि विथ क्वालिटी एंड टाइम यू नीड टू ऑल्सो ग्रूम द टीम, उनको चांस दीजिए, उनको कम अप करने के लिए टाइम दीजिए. सो दोस्तों, ये कुछ मेरे 5 टिप्स थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप एक इफेक्टिव हैंड्स ऑन मैनेजर कैसे बने. जनरली पीपल हु आर गुड एट देयर स्किल्स व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर, दे हैव पॉलिश देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, अपॉर्चुनिटीज. व्हेन दे बिकम मैनेजर दे फाइंड इट एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, इतना स्किल्ड हूँ, दूसरे मेरे जितना क्वालिटी का काम कर नहीं सकते. एंड इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नो मोर दैट एंट्री लेवल प्रोफेशनल और द एंट्री लेवल टीम मेंबर, यू हैव बिकम अ मैनेजर नाउ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अलॉन्ग विद द वर्क यू ऑल्सो नीड टू डेमोन्स्ट्रेट सुपरवाइजरी एंड पीपल स्किल्स. इन सब को मिलाओगे तभी आप एक हैंड्स ऑन मैनेजर कहलाओगे. जस्ट डूइंग द जॉब एंड दैट टू डूइंग द जॉब ऑफ योर टीम मेंबर दैट द टीम मेंबर शुड डू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ टू बी नोन एज अ हैंड्स ऑन मैनेजर. चाहे कोई भी कुछ भी बोले लेकिन आप जान सकोगे कि दिट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू एंड इट्स नॉट गेटिंग द बेटर ऑफ यू. सो आज से अगर आपने ये एक्नोलेज कर लिया कि चलो मैं अपने आप को एक हैंड्स ऑन मैनेजर बनाना चाहता हूँ, फॉलो दिस स्टेप्स and you will see a marked difference in how you are approaching your managerial position and be able to drive the team in a much better way. So if you like the content today, just give it a like, share and subscribe and share it with someone who may need it. Is channel pe aur is tarah ke content dekhne ke liye or content that you would like to watch, comment in the comment section and let me know and I will make content that will help working professionals. After all, this channel is about helping working professionals to enjoy their life in a fulfilling and engaging way with their career. Thank you so much for watching. Until the next video.